सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी चल रही थी रियल नंबर, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा है। सो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या लिखा है देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। देखिए ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर रखा है, तो अब हम इसको करते हैं ये किस तरीके से होगा। तो देखिए, अ वेरी फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को बता रखा है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से कैसी अप्रोच रखनी है। तो ध्यान से करते हैं हम ये हमारा क्वेश्चन और सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंगल बोर्ड है, अगर हमें मिटाना भी पड़ जाए तो आप प्लीज इसको देखिए अच्छे से, ठीक है? तो एक एक ही बोर्ड में मुझे लगता है पूरा हो पाएगा, बट जस्ट आराम से करेंगे, इजीली करेंगे। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या करना है। देखिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक हो गया? अब ध्यान से सुनिए, अब बात आती है भैया b की वैल्यू क्या लें। देखिए b की वैल्यू अगर आप 9 लेते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता रखा, तो r की वैल्यू कितनी जाएंगी बताइए, 0 1 2 3 9 तक, तो r की वैल्यू बहुत ज्यादा जाएंगी। ध्यान से सुनिए, यहां पर हमें b की वैल्यू हम 3 लेंगे। देखिए b की वैल्यू हम यहां पर क्या लेंगे, 3। सो ध्यान से सुनिए, b की वैल्यू 3 लेना, 3 हमने इसलिए लिया क्योंकि ध्यान सुनिए, अगर यहां क्या लिखा है देखिए, यहां पर क्यूब लिखा है, कहीं ना कहीं देखिए अगर हम इसका 3 का क्यूब करेंगे तो हमें 9 तो मिल रहा ना, उस पर 9 मिलेगा, देखिए 3 3 9 9 3 27। सो हम यहां पर पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 और 2 जो कि r की वैल्यूज होंगी, तो इसलिए हमने b की वैल्यू 3 ले रखी है। तो b की वैल्यू आप 3 लीजिए, आपको ये फॉर्म डेफिनेटली मिलेगी। आप देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, तो यहां पर इस तरह से लिखते हैं, लिख सकते हैं हम, अब अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिखिए अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है? तो आप लोगों को पता, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है उसमें बी 3 है, सो यहां पर क्या बना सकते हैं बताइए, ए इज इक्वल टू 3q+r। ये आप लोगों को पता है, ये क्या हमारी एक यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से सुनिए, अब नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ आर हाउ मेनी, यहां सुनिए, यहां पर हम वेयर इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर सेम थिंग, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, इट मींस आर की वैल्यू हमारे पास 0 1 एंड 2, दीज 3 वैल्यूज आर की हमको मिल चुकी है। तो यहां से हमें देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहां पर ए इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहली बात, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। अब बात आती है भैया इसको किस तरीके से सॉल्व करना, सेम थिंग जैसे हम चल रहे थे तो वैसे ही करेंगे। यहां पर आप लिख लीजिए इस तरीके से, केस फर्स्ट करके आप लिख सकते हैं, इजी रहेगा। देखिए सो फर्स्ट केस आपका क्या है, ध्यान से सुनिए, आप सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, एक क्वेश्चन में यहां पर लिखता हूं, आप लोगों के लिए इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर, कि ये वाली ए इज इक्वल टू 3q+r, ठीक है? एक काम करते हैं सीधे, लेट r इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 रख के देखते हैं किस में रखेंगे बताइए, इसमें। सो यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू 3q+, देखिए 0 हो गया, ध्यान सुनिए 3q+0 कितना होगा, 0 ही होगा, तब r की वैल्यू आप 0 रखेंगे, ठीक है? r की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, सो a इज इक्वल टू 3q। अब ध्यान सुनिए, वट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, शो दैट क्यूब, अब बात आती है क्यूब की, तो क्यूब करते हैं इसका हम, बोथ साइड क्यूब यहां पर लिख सकते हैं आप, एक काम करते हैं यहां नहीं लिखते हैं, एक बड़ा अच्छा आइडिया मेरे पास, तो यहां पर आप क्यूब कीजिए इसका, इस तरीके से आप क्यूब कीजिए और यहां पर लिख लीजिए ऑन क्यूब बोथ साइड। सो आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आप लोगों को अच्छा दिखेगा। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27, और इसके साथ साथ क्यू का भी, देखिए किसी भी वेरिएबल का अगर स्क्वायर क्यूब करना है तो वही फॉर्म में आ जाता है, क्यूब और स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है? तो क्यू का क्यूब क्यू,
क्यू का क्यू क्यू का होल क्यूब करेंगे तो क्यू क्यूब इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको कहा था हमने बी की वैल्यू 3 ली थी, तो देखिए यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, ध्यान सुनना, हमें 9 चाहिए। सो 9 कैसे लेंगे, ध्यान सुनना, 9 हमें बाहर चाहिए तो हम ले सकते हैं 9, बताइए, यस वी कैन टेक 9। देखिए यहाँ पर मैं 9 ले लेता हूँ, और देखिए 9 इंटू कितना 3 क्यू क्यू, तो ये बहुत इजी हो चुका है आप लोगों के लिए। ध्यान से जाए, इसकी जगह पे आप m लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को इसकी जगह पे k1 ले रखा है, वो भी कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, बस एक तरीका होता है, आप किस तरह जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह करना चाह रहे हैं तो इस तरह कीजिए, क्योंकि वहाँ पर k1 बहुत सारी वैल्यूज थी, k1 k2 k3, इसलिए हम सबको, वो भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसको हमने m मान लिया, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको m मानिए, हो जाएगा आपसे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू डायरेक्ट आप 9m लिख लीजिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, ठीक हो गया। सो पहली फॉर्म तो हमें मिल चुकी है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, ध्यान से सुनिए, केस सेकंड, मैं आप लोगों के लिए यहीं पर ही बना देता हूँ उसको, केस सेकंड, होप सो यहाँ पर हो जाए, आई थिंक सो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक हो गया। बोथ साइड क्यूब, ये आप लोगों को पता है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, इस साइड मैंने दोनों साइड क्यूब कर रखा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑन क्यूब, ठीक है, बोथ साइड। सो देखिए ये हमारा हो चुका है इतना, ठीक है। तो अब केस टू यहाँ पर लेता हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देखिए एक कैन आई, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच सकता हूँ डाइवर्जन के लिए, ठीक हो गया। नाउ देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर केस टू, सो सी ए एस केस टू, ये तो कोई तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, अच्छा इस तरह का लिखा, रोमन नंबर का केस टू। ध्यान सुनिए केस टू क्या है, देखिए अच्छे से करते हैं, आर इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, यहाँ पर से r की वैल्यू 1 के लिए आपके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार अपना, ठीक हो गया। सो r इज इक्वल टू 1 के लिए, ध्यान सुनिए, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान सुनिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस r कितना है 1, तो 1 लिख लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप क्यूब करना स्टार्ट करने लग जाएंगे, सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ये सेम थिंग है क्या, क्यूब बोथ साइड, ठीक हो गया। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिए, यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी चीज, a प्लस बी का होल क्यूब, यू हैव टू नो, ठीक हो गया, कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कहीं साइड में, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आप लोगों का, ठीक हो गया। सो a प्लस बी का अगर होल क्यूब आपको निकालना है, यहाँ पर हम लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a इंटू बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ ये a का स्क्वायर होगा और यहाँ पर सिर्फ ये b का स्क्वायर होगा, ठीक हो गया, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म को लगाते हैं, उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगा लेते हैं एक बार के लिए। तो ध्यान से सुनिए, देखिए a का क्यूब 3q का क्यूब, यहाँ पर आप इस तरह से एक बार में इसको लिख लेता हूँ, देन दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ध्यान सुनिए ये 3, ठीक हो गया, ये 3 a का स्क्वायर, a कितना है आपके पास ये, और b कितना है आपके पास 1, तो 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a इंटू बी का स्क्वायर, ये देखिए काफ़ी इजी है, बहुत अच्छे तरीके से हम जा रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी इजी लग रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। सो इस साइड ये है हमारे पास एक मार्क के लिए मैं लाइन इसको और थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ठीक हो गया, यहाँ पर ये क्यूब था थोड़ा इसको इस तरीके से, ठीक हो गया। अब यहाँ से सुनिए, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ए क्यूब के लिए लिख रहे हैं, तो ए क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, देखिए 3 3 9 9 3 27, सो यहाँ पर आप लोगों का 27 का क्यू क्यूब। एक काम करते हैं, क्यू वाली वैल्यूज जितनी हम इस साइड लिख लेते हैं, तो देखिए 3 3 9 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, ठीक हो गया, समझे आप, 3 3 9, देखिए यहाँ पर इसको देखना है, इस वाले को देखना है आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 है और ये 1 है, तो देखिए 3 तो ऐसी रहा, इस 3 का स्क्वायर भी होगा 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही होगा, और 1 से इंटू होने के बाद 1, तो 3 9 27, और ये कितना हो जाएगा आपके पास बताइए,
3 9 9 3 27 ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, 327 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो 3 3 9 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेम थिंग, 3 3 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, सो प्लस 9 का क्यू, और ये 1 का क्यू कितना रहता है, 1। तो अब मुझे बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ पता है इसमें, कुछ लग रहा है बताइए। सिंपली आप क्या कीजिए इसमें बताइए, वही वाली बात, वही वाली चीज़, सेम थिंग, आपको क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है। सो आप यहाँ पर से 9, सबसे पहले यहाँ पर से आप 9 कॉमन लीजिए। सो 9 कॉमन लेंगे तो कैसे लेंगे बताइए। सो ए क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान सुनिए, देखिए अब मेरी बात बताइए, 9 सिर्फ 9 मत लीजिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। यस हाँ, देखिए क्या क्या दिख रहा है, जो जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो सब बाहर निकाल देनी है, आप लोग निकालिए बाहर, सब कुछ बाहर निकालिए। मैं यहाँ से 9 और क्यूब ले लेता हूँ, तो देखिए 9 क्यूब इस तरीके से, ठीक हो गया। और अब देखिए अंदर क्या बचा, 9 क्यू ले लिया तो क्या बचा, 9 बजे 9 यहाँ पर 3 बज गया, और एक क्यूब बाहर निकाला था, क्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक हो गया। 3 क्यू स्क्वायर ये हो गया। अब 9 फिर सिंपली एक 3 2 क्यू थे, एक क्यू बाहर निकाला तो एक क्यू, यहाँ पर से 1 और ये प्लस का 1, ठीक हो गया। इतना सबको आया होगा समझ में, आई होप ठीक हो गया, इतना सब सही हो गया। अब ध्यान से सुनिए, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, आप क्या करिए, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+1। अब बात आती है व्हाट इज m है यार। सो m देखिए क्या है आपके पास, जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है ना यहाँ पर से, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, इतना दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, आई थिंक, वेरी गुड। सो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, तो आप लिख लीजिए वेयर, एक काम करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट होगी, चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम लिखिए वेयर m इज इक्वल टू कितना, q के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई में है, q स्क्वायर प्लस 3q+1। अब ध्यान सुनिए, देखिए ये प्लस का 1 ये वाला नहीं है, ये प्लस का 1 ये वाला है, ये प्लस 1 ये वाला है, ठीक हो गया। तो m इज इक्वल टू q इंटू 3q² प्लस 3q+1, ये आप लोगों को पता, तो इसलिए हमने ये देखो इसकी जगह पे ये दिख रहा है आपको, ये हमने यहाँ पर लिखा था। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+1, देख लीजिए हम लोगों को सेकंड वैल्यूज भी मिल चुकी है। नाउ द लास्ट केस, द केस नंबर 3, अब हम करते हैं, एक बार आप प्लीज इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं बढ़ता हूँ अगला इसकी तरफ, इसको मैं रफ करूंगा अभी आपके लिए, इस पूरे बोर्ड को अब मैं रफ करूंगा। तो चलिए अब देखिए, आप लोग प्लीज इसको देख लीजिए एक बार। सो हमें ए क्यूब के लिए 9m+1 मिल गया था, ए क्यूब यहाँ से 9m भी मिल चुका है। अब r की कौन सी वैल्यू आप लोगों के लिए बची है, 2। सो नाउ देखिए r की वैल्यू 2 के लिए हम करते हैं, केस फर्स्ट सेकंड हमारा हो चुका है, आप लोग अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आपको लिख लीजिए अच्छे से एक बार कॉपी में। सो केस थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, सो केस थर्ड की तरफ बढ़ते हैं अब हम। चलिए यहां से देखिए केस थर्ड हम करते हैं, तो केस थर्ड देखिए क्या है, द केस नंबर 3 इज, अब सेम थिंग, लेट r इज इक्वल टू 1, 0 हो गया, 1 हो गया और 2, तो तीन वैल्यूज है हमारे पास, 2 होंगे। तो देखिए r की वैल्यू 2 के लिए फटाफट से करते हैं यहां पर से। तो देखिए यहां पर इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले देते हैं, लेट सी यहाँ पर क्या पता इसी में ही हो जाए यहीं पर ही, लेट r इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सो a इज इक्वल टू 3q+r, तो r की वैल्यू कितनी, 2। अब वही सेम थिंग आप लोग अप्लाई कीजिए इस तरीके से, 3q+2 का होल क्यूब, ठीक हो गया। इतना आपको समझ में आ गया, ये वही चीज़ है, क्यूब बोथ साइड यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड आप लोग लिखिए अच्छे से। सो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम थिंग, ए का क्यूब प्लस यहाँ पर बी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर, वहाँ देखिए राइट साइड में आपको फॉर्मूला दिख रहा है इस तरीके से, लिए 3a² b प्लस 3 कितना ab² ठीक हो गया, कितना a और ये b का भी स्क्वायर। तो ये लोग ये देख लीजिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर से ए क्यूब इज इक्वल टू
3 3 9 3 27 का क्यू क्यूब प्लस 2 2 4 2 8। अब वही वाली बात आ गई, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो जितने भी क्यू और जितने भी वेरिएबल टर्म्स है स्टार्ट लेता हूँ जो क्यू है आपके पास। 3 3 9 9 3 27 27 2 डू यू नो व्हाट इज 27 2 आपका कितना होता है 54 होता है। सो देखिए यहाँ पर से हम लिखते हैं इसको, सो यहाँ पर 54 क्यू का स्क्वायर 3 3 9 9 2 18 ठीक हो, सॉरी हाँ 2 2 4 4 3 12 12 3 36। सो यहाँ पर आ गया आपका 36 का क्यू और साथ में प्लस 2 2 4 2 8। अब कितना अच्छा हो गया, देखिए 8 तो मिल ही चुका है, कितना सबसे आसान लगा मुझे अभी तक का ये सबसे आसान, क्योंकि इसमें देखिए कुछ नहीं, एक फॉर्मूला ऐड करना है आपको कुछ नहीं। तो अब देखिए, अब वही सेम थिंग, सो ए क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान सुनिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 9 क्यू कॉमन ले लीजिए, 9 क्यू देखिए सब जगह, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 क्यू है, सो आप 9 क्यू कॉमन लीजिए और ये आ गया आपका 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 9 4 4 4 और ये आ गया आपका 8। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप देखिए ये वाला हिस्सा क्यू इंटू इतना सब कुछ, सो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 ठीक हो गया। अब आप लिखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेयर, तो अच्छे से लिखता हूँ उसको, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। सो यहाँ पर लिखिए आप वेयर m इज इक्वल टू, m एक पॉजिटिव इंटीजर है ठीक हो गया, तो m इज इक्वल टू q के साथ 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। तो देख लीजिए, सो हमें देखिए अभी अभी हमें सब कुछ मिल चुका कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन था, a। तो a देखिए हमें तीन फॉर्म मिली थी, a के क्यूब की तीन फॉर्म में मिल चुकी है, तो किस किस फॉर्म में होता है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, सो देयरफॉर a क्यूब एक पॉजिटिव, यहाँ पर लिखिए a क्यूब जो था ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग ए क्यूब जो पॉजिटिव इंटीजर था, ऐसे लिखिए, सॉरी डायरेक्ट लिखिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ठीक है, इस तरीके से देखिए, देयरफॉर यहां पर लिखिए ऐसे ए क्यूब लिख लीजिए और यहाँ पर देयरफॉर ए क्यूब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस तरह किस फॉर्म में आ रहा देखिए, 9m, तो सबसे पहले 9m था ना, फिर 9m प्लस 1 एंड द लास्ट 9m प्लस 8। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, देखिए किस तरह से किया, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 इसमें ठीक हो गया, ये हमें कॉमन लिया था। सो इतना ही था आप लोगों का इस क्लास में, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ये, या फिर ऐसे लिख दीजिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m कॉमन 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सो देख लीजिए एक बार आप लोग सभी लोग इसको, सो देखिए स्टूडेंट्स, ओके तो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितने भी प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं केस स्टडी के क्वेश्चन सब कर लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर, और इसके अभी कुछ क्वेश्चन अभी और बाकी हैं वो भी हम करेंगे। सो प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हैं प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और शेयर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।